जाग चुकी है और वो हमें जगा रही है क्योंकि वो हमें आज लेकर जा रही है ब्रेकफास्ट पे कहीं बाहर। और मैं और सदीका जो है अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम आज करेंगे कहीं बाहर ब्रेकफास्ट। दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा है उठने का, लेकिन एक्साइटमेंट है कि देखिए मामा कहाँ लेके जाती है। और चलें फिर आप लोग भी हमारे साथ साथ रहिए और आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग तैयार शियार होके हमारी शाही सवारी रिक्शा, जो कि हर दफ़ा हम तीनों माँ बेटी की होती है, उस पर रवाना हो चुके हैं और हम जा रहे हैं गुलशन में ही, मतलब कि गुलिस्तान जौहर में ही, जो गुलिस्तान जौहर की चौरंगी है वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे ब्रेकफास्ट होता है और हम आए हैं यहाँ तवक्कल हलवा पूरी। तो जनाब यहाँ जो है बड़ा अच्छा सा इन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, ईज़िली फैमिलीज़ जो हैं यहाँ पर बैठ के आराम से ब्रेकफास्ट कर सकती हैं, कोई भी डर खौफ की ऐसी कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट टाइम मैं और सबीका जो है कहीं बाहर नाश्ता करने आए, तो चले मैं आपको इनके रेस्टोरेंट का छोटा सा रिव्यू करवा देती हूँ। यहाँ पर गर्म गर्म पूरियाँ जो बन रही हैं, तो जैसे भी कराची में कहीं भी जो ब्रेकफास्ट करवा रहे होते हैं हलवा पूरी का नाश्ता, तो वो जो है फ्रेश फ्रेश बन रही होती है और लोगों को इतनी पसंद है कि फ़ौरन सेल हो जाती है। मैंने आज तक कोई भी ऐसा हलवा पूरी का नहीं सुना है कि कोई बासी मिली या किसी की तबीयत बासी खाने से ख़राब हो गई, क्योंकि ये बासी हो ही नहीं सकती है। लोगों को इतना कराची में इसका क्रेज़ है ना कि ये फ़ौरन ख़त्म होती है। ऐसे तो हमारे अपार्टमेंट के नीचे भी 3 से 4 हलवा पूरी वाले हैं, लेकिन वहाँ पे कोई फैमिली का उन्होंने इंतज़ाम नहीं कर रखा है, तो जहाँ पे फैमिली है हम वहाँ पर आए। तो अब मैं इनके किचन में आ गई हूँ। ये इन्होंने मुझे दिखाया यहाँ पे चनों का सालन, मज़ेदार खुशबू, क्या ही बात थी। ये रहा इनका आलूओं का सालन, मतलब कि चने और आलू की तरकारी जो कि पूरियों के साथ मिलती है। और यहाँ पर ये घी वाला मज़ेदार खुशबूदार सूजी का हलवा। अब जो है मैं इनके दूसरे पोर्शन में आई, यहाँ पर बन रहे हैं गरम गरम पराठे, कि जिन्हें अगर पूरियां नहीं खानी है वो पराठे ऑर्डर कर लें, बट मुझे तो पूरियां खानी थी तो हमने पूरियां ऑर्डर कर दी। और अब हम जो है इनके किचन को दिखाने के देखने के बाद, ये मम्मा और सबीका बैठे हुए हैं यहाँ पर। यार मैं माइक लाना भूल गई आज, कोई बात नहीं, वो कर देना, ओवर वॉइस कर देना। चले, अच्छा सा इनका सिटिंग एरिया बना हुआ है और आज जो है हम यहीं पर ब्रेकफास्ट करेंगे। ये नाश्ता जो है आ चुका है, यहाँ पे देखें ये पूरियाँ जो हैं आ चुकी हैं और यहाँ पे देखें कितनी मज़ेदार सी कुरकुरी सी ये पूरियाँ हैं, गरम गरम सी धुआं उड़ाती है। और साथ ही यहाँ पे इन्होंने दो तरह का सालन जो कि आलू की तरकारी और चनों की तरकारी दी हुई है। तो चलें जी फर्स्ट बाइट जो है मैं और सबीका लेंगे, उसके बाद आपको रिव्यू देंगे। तो जनाब हमने टेस्ट किया तो बहुत मज़ेदार टेस्टी, जितना कि तवक्कल हलवा पूरी जो यहाँ पे फेमस है, तो वाकई में ये बहुत मज़ेदार टेस्टी। ऐसा नहीं है कि मैंने इनका फ़र्स्ट टाइम ये ब्रेकफास्ट किया है, लेकिन हाँ मैंने हमेशा घर में किया है। इस तरीके से इनके होटल में आके मैं फ़र्स्ट टाइम जो है ये कर रही हूँ। फाइनली जो है मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है, सबीका का भी कंटिन्यू है। तो यहाँ पे बात आती है कि फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, वेदर अच्छा है, तो आप ज़रूर बाहर जाएं और फैमिली के साथ करें, अगर प्लेस जो है सेफ़ है तो बहुत अच्छा। उसके बाद जो है घर में राहील थे, तो उनके लिए हमने यहाँ पर हलवा पूरी पैक करवाई, मामा ने भी अपने लिए पैक करवाई क्योंकि उन्होंने रेस्टोरेंट में नहीं खाई। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।